जावा कंप्यूटिंग के इतिहास में जावा सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा को 1991 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सन माइक्रोसिस्टम्स कंपनी के कर्मचारी जेम्स गोसलिग और उनकी टीम द्वारा विकसित किया गया था। जावा ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके उपयोग से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो बना ही सकते हैं, साथ ही जावा का उपयोग इंटरनेट प्रोग्रामिंग और वेबसाइट बनाने के लिए भी होता है। प्रसिद्ध मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड को बनाने में भी जावा का उपयोग हुआ है, और अगर आप एंड्रॉइड ऐप्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको जावा लैंग्वेज का ही उपयोग करना पड़ेगा। पाइथन, अगर आपने पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है तो आप पाइथन से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। पाइथन को सीखना बहुत ही आसान है। पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखकर आप वेबसाइट, गेम और गूगल जैसा सर्च इंजन भी बना सकते हैं। हैकर भी पाइथन को ही ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पाइथन कई मायने में वेबसाइट हैकिंग को आसान बनाती है। पाइथन को ग्विडो वैन रॉसम द्वारा 1985-1990 के दौरान नेदरलैंड्स में बनाया गया था। पाइथन का पहला वर्शन जनवरी 1994 में निकाला गया था। अभी पाइथन का 3.6 वर्शन चल रहा है जिसे 23 दिसंबर 2016 में निकाला गया था। पाइथन को पढ़ने या उपयोग करने के लिए हमें कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है और न ही कोई कीमत चुकाना पड़ती है क्योंकि पाइथन जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध है। जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब आप पूछेंगे कि यह क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब ब्राउजर पर चलती हो और उसका सर्वर से कोई मतलब ना हो, उसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का आविष्कार ब्रेंडन आइक ने 1995 में किया। दिसंबर 1995 में सन माइक्रोसिस्टम द्वारा उसका नाम जावास्क्रिप्ट रखा गया। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट के लिए HTML के साथ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट को डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट से हाईली इंटरैक्टिव वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। सी प्रोग्रामिंग एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेनिस रिची ने 1972 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए बेल लेबोरेटरीज में बनाया था। सी लैंग्वेज को सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज माना जाता है क्योंकि अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर सी लैंग्वेज का उपयोग करके ही बनाए गए हैं, और अधिकतर प्रोग्रामिंग जैसे कि जावा या नेट के सिंटैक्स सी प्रोग्रामिंग से काफ़ी मिलते जुलते हैं। आज जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा, .NET, PHP उपलब्ध है, उनमें से लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग पर ही आधारित है। C++ 2017 के आंकड़ों के अनुसार आज भी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीसरी सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। आप कई अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, लेकिन C++ सीखने का मुख्य कारण यह है कि C++ उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है जो काफी पुराना होने के बाद भी आज तक लोकप्रिय है। C++ का आविष्कार बियान स्ट्रस्ट्रप ने 1983 में बेल लैब्स में C++ प्रोग्रामिंग किया गया था। 1979 में जब पहली बार C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया था, उसके बाद बहुत सारे नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाजार में आए और चले भी गए, लेकिन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग आज तक हजारों सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ड्राइवर, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बनाने में होता है। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। PHP का पूरा नाम PHP हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर है। PHP को 1994 में राजमस लिडोफ द्वारा बनाया गया था। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब कि ऐसा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है। PHP के द्वारा डायनामिक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाई जाती है। किसी भी प्रकार के वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए PHP सबसे प्रचलित स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इंटरनेट के सबसे पॉपुलर वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, विकिपीडिया, याहू को बनाने के लिए PHP का उपयोग हुआ है। रूबी लैंग्वेज को 1990 में युकिहिरो मात्सुमोटो द्वारा जापान में बनाया गया था। ये एक डायनामिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसे वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। रूबी को सिंपल और इजी राइटिंग के लिए डेवलप किया गया था। रूबी रेल्स फ्रेमवर्क को पावर करता है जो कि स्क्रिप्ट, गिटहब, ग्रूपॉन और शॉपिफाई में यूज होता है। पाइथन की तरह रूबी को भी बिगिनर्स के लिए यूजर फ्रेंडली माना जाता है।